चमत्कार करती हैं और ये बड़ा सुनियोजित तरीके से होता है। अफेयर के दिनों में मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि एक बार मैं आपकी लाइफ में आ गई ना तो मैं आपके आधे गम ले लूंगी। तो मैंने कहा गम अपनी लाइफ में तो गम है ही नहीं। अरे बोले एक बार लाइफ में आने तो दो। तब से गम ही बट रहे हैं। अच्छा इसमें क्या होता है, बड़े प्रोसेस में आप महिलाएं भाभियां बैठी बड़े प्रोसेस में मेहनत करती हैं, सगाई के दिनों से अफेयर्स के दिनों से अपने प्लॉट पे काम शुरू करती हैं। पहले उसकी शराब छुड़वाती हैं, फिर बियर छुड़वाती हैं, फिर सिगरेट छुड़वाती हैं। क्या एस्ट्रे जैसा मुंह बना रखा है, यही तो अनुभव में हंस रहे। फिर दोस्त बदलवाती हैं, नीला वाला ठीक नहीं है, पीला वाला ठीक है। और 8-10 साल में जब वो परम संतत्व को प्राप्त हो जाता है तब एक दिन रात को उससे बालकनी पे बैठ के कहती है अब आप पहले जैसे नहीं रहे। मैंने कहा बेचारे का पूरा सिस्टम फॉर्मेट मार दिया, आप किसका एंटीवायरस चढ़े। अच्छा ये ऐसा नहीं है राहत भाई कि हिंदुस्तान में, ये पूरी दुनिया में है स्त्रियों का ऐसा जो परम आतंक है पुरुषों के ऊपर। मैं सर ब्रिस्बेन गया था ऑस्ट्रेलिया में, आप लोग भी गए होंगे वहाँ, एक जैसे इनके नेता बैंकॉक जाते हैं। वो बीच में 2-3 महीने गायब हो गए थे तो अखबार में खबर छपी कि उत्तराखंड के जंगलों में देखे गए, जैसे होता ना तेंदुआ देखा गया। फिर आके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि नहीं मैं उत्तराखंड नहीं गया था, मैं बैंकॉक गया था चिंतन करने। रोटरी वालों मैं भी कई बार बैंकॉक गया हूँ, वहां कुछ भी हो सकता है चिंतन में। और जो लोग ताली बजा रहे हैं लग रहा है उन्हें देख के कि आप भी काफी चिंतन करके आए हो। तो मैं ब्रिस्बेन गया साहब, वहां गोल्ड कोस्ट बीच है ना, एक गोल्ड सोने जैसा एक जगह है, बहुत बढ़िया। तो हमें घुमाने हमारा आयोजक ले गया था, उसने हमको कहा कि साहब ये देखिए यहाँ समुंदर है इतना अच्छा और सोने जैसा एकदम माहौल है। तो मैं खड़ा हो गया ऊपर जाके, 64वीं मंजिल पे एक होटल है वहाँ देखने लगा। थोड़ी देर बाद वहाँ एक चाइनीज लड़के लड़की आए, होते ना वो पॉकेट साइज, हाँ छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरा मदन गोपाल। वो दोनों आए तो उन्होंने अपना च्या प्या क्यों कहा, आधा पौन घंटे तक क्यों, ना कुछ देखने दे ना कुछ करें, जोर जोर से बोले। तो मेरा मैनेजर आया, बोले सर कितना सुंदर लगा, आपने फोटो खिंचवाए कि नहीं खिंचवाए। मैंने कहा भाड़ में गए फोटो, ये तो दोनों पति पत्नी लड़ते रहे, मैं इन्हीं को देखता रहा। मुझसे बोला सर आपको कैसे कंफर्म है पति पत्नी है, हो सकता है इसकी गर्लफ्रेंड हो। मैंने कहा शर्त लगा ले 1000 रुपए की, उसने लगा ली, उन दिनों चलता था। उसी दुर्घटना के बाद बंद हुआ। तो उसने लगा ली साहब, वो जाके उस लड़के से बोला कि इज शी योर गर्लफ्रेंड, वो चाइनीज बोला न्यो न्यो माय वाइफ माय वाइफ। तो 1000 रुपए हार गया लड़का। वो सिडनी जाते हुए मुझसे बोला कि सर बाकी सब तो ठीक है, आप 1000 रुपए ले लो सर, पर आप ये बताओ आपको कैसे पता चला ये पति पत्नी है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है। मैंने कहा देख मैंने उनकी बातें सुनी। बोले अच्छा आपको चाइनीज भी आती है। मैंने कहा चाइनीज नहीं, हरकतों से पता चला। बोले कैसे। मैंने कहा वो महिला 15 मिनट लगातार बोलती थी और वो बेचारा पति कहता था धड़ छलक आया। आप लोग जो कष्ट में हैं वो थोड़ा आनंदित मुद्रा में बैठिएगा, मैं 4 पंक्तियां सुनाता हूँ, निवेदन करता हूँ।